जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। तो अभी एक गवाही है इस बहन की, इस बच्चे की, सुनते हैं। टीम बताओ। पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है, ये सुल्तानवेंड रोड के रहने वाले हैं और ये सिस्टर बताते हैं कि जून 2020 को ये अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहरे थे और उसी दौरान ही इन पर कोई जादू टूना किया गया और उस दिन के बाद इस सिस्टर के जीवन में एक खतरनाक दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया और जिससे इनका जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुका था। इस सिस्टर को एकदम से बड़ा गुस्सा आ जाता था और उस समय ये अपने पति के साथ बहुत झगड़ा करती थी, ये चीज़ों को उठाकर पटक देती थी और कई बार इन्होंने मोबाइल फोन्स भी तोड़े। ये बताती हैं कि इनका दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता था, यहाँ तक कि कई बार ये सुसाइड की कोशिश भी कर चुके हैं। एक बार ये नहर पर छलांग लगाने चले गए, एक बार इन्होंने हाथ की नसों को कैंची से काटने की कोशिश की, कई बार इन कई कई दिन दुष्ट आत्मा इनकी आवाज़ को बंद कर देता था और ये अपने शरीर में बड़ा ज़्यादा कमजोरी महसूस करते थे और इनका सारा शरीर दर्द रहता था और ये घंटों तक एक कोने में चुपचाप बेसुध से होकर पड़े रहते थे और इन्हें होश भी नहीं रहती थी और सिस्टर की ऐसी हालत हो गई थी कि ये अपने परिवार वालों को भी नहीं पहचानती थी। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और बहुत ज़्यादा बुरा हाल था और इनका जीवन पूरी तरह से नर्क बना हुआ था। और ये सिस्टर बताते हैं कि फिर सितंबर महीने में इनके घर वालों ने इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर आकर मीटिंग के दौरान इनको बहुत सारे चक्कर आए और अपोस्टल जी, जब आप प्रार्थना कर रहे थे उसी समय ये सिस्टर के ऊपर दुष्ट आत्मा आया और आपके द्वारा उस समय दुष्ट आत्मा को निकाला गया और तभी ये सिस्टर उस समय फ्री हो गए। लेकिन दुष्ट आत्मा से छुटकारा लेने के बाद ये सिस्टर परमेश्वर के साथ बनी नहीं रही, ये कभी मीटिंग सुनने चर्च में नहीं आती थी और इनका मन वचनों से परमेश्वर से बहुत दूर था, जिसके कारण हालात दोबारा इनके जीवन में आए और इनके मन में बुरे बुरे विचार आते थे और वही दुष्ट आत्मा फिर से इनके जीवन में काम करना शुरू कर रहा था और ये बहुत परेशान थे। और उसके बाद जब निरंतर इनकी हालत खराब होने लगी तो ये बेसुध सी दशा में फिर से आई और तब इनकी फैमिली मेंबर 28 अप्रैल 2021 को यहाँ पर इनको फिर से चर्च में लेके आए और फिर उस समय परमेश्वर पर मन लगाना इन्होंने शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया और पॉजिटिविटी के बारे में इनको समझ आनी शुरू हुई और फिर उसके बाद अपोस्टल जी, इनको चर्च में यहाँ पर 3 दिन के लिए रुकने के लिए बोला गया और यहाँ पर रहकर इन्होंने बहुत सारे परमेश्वर की बातों को सीखा और फिर उसके बाद अपोस्टल जी, आपके साथ इनकी पर्सनल मीटिंग हुई और जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे उन दिनों में ये भी आपसे मिले और अपोस्टल जी उसी समय इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आया और ये है उस समय का लेहन सीन। कौन कौन छुपा दो
जड़ा कट दा यीशु नाम तेरे शरीर चो तेरी जड़ा कट दा आमीन तेरी जड़ा कट दा यीशु मसीह नाम आमीन भगवान नु और ये जेनी काम तो यीशु दा आमीन 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 जो तनु खाना इना नु बुलाना पड़ना कई चीजें नु समझानी पड़ना जैसे आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई और उसी समय वो खतरनाक दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़कर चला गया और उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हैं। आमीन, हालेलुया। तो अना अभी हमने देखा कि कैसे शैतान इस बच्ची के जीवन में काम कर रहा था, कैसे इसकी नसें कटवा रहा था, है ना। क्योंकि दुष्ट आत्मा का क्या काम होता है इंसान के जीवन में, उसके जीवन को नाशित करना, नाश करना। और हमारा परमेश्वर है बचाने वाला, और इसलिए जितने भी लोग परेशान हैं वो सब आज़ाद किए जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से, ग्रेस के नीचे आकर। आप बने रहना इन गवाहियों के लिए, खुदा की तारीफ करो, इस गवाही के लिए भी तारीफ करो मन से। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।